आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शहर काजी मुफ्ती मौलाना वलीउल्लाह मौलाना मोहम्मद असलम बरकाजी व मौलाना अवीज अबी अहमद वसवा ने जनपद वासियों से की अपील, कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाए ईद का पर्व, जिला प्रशासन का करे सहयोग। जिला अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी ने कोविड मरीजों को दिए जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत बनाए गए कंटेनमेंट जोन व कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं की छूट, SSP ने कहा करे कोविड प्रोटोकॉल का पालन, संक्रमण पर लगाए रोक। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, SPCT ने कहा ओवर रेटिंग कर बेचते थे इंजेक्शन। जिला महिला चिकित्सालय में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सादगी से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे, मोमबत्ती जलाकर फ्लोरेंस नाइटिंगल को दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से SPCT ने दी ईद की शुभकामनाएं, कहा घरों में अदा करें ईद की नमाज, रहें सुरक्षित। गोरखपुर में बुधवार को मिले 415 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 51,886। अब तक 547 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 7,416 हो गए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पोस्टिंग। गांवों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पंचायत राज विभाग चला रहा है वृहद सैनिटाइजेशन अभियान, DPRO ने कहा जनपद के 1,254 गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए लाई गई है विशेष मशीनें, कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने जनपद की सभी नर्सों को दी शुभकामनाएं, कहा मरीजों की सेवा में नर्सों का है विशेष योगदान, सभी चिकित्सक उनके सहयोग के लिए तत्पर। ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए SPCT सोनम कुमार के नेतृत्व में कोतवाली सर्किल से निकाला गया पैदल गश्त, लोगों को कराया गया सुरक्षा का एहसास। शहरी क्षेत्रों के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड वैक्सीनेशन में लोगों का बढ़ा रुझान, कैंपियरगंज के CSC पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर लगवाया टीका। ईद पर्व के मद्देनजर नगर निगम ने ईदगाहों एवं मस्जिदों की विशेष सफाई एवं सैनिटाइजेशन का चलाया विशेष अभियान, जिससे रोका जा सके कोरोना का संक्रमण। बुधवार को जिला अस्पताल सहित 76 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,320 और 45 साल से ऊपर के 9,450 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, नागरिकों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। शासन के निर्देश पर लगाया गया कोरोना आंशिक कर्फ्यू का बुधवार को भी देखा गया असर, SPCT ने कहा घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और बुधवार की सुबह अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश होने की है संभावना।